लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज तुम्हें देखकर तुम्हारे पिताजी की याद आ गई। मुझे उम्मीद है उनकी तरह तुम भी कानून में खूब नाम रोशन करोगे। बेटा, जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। मुझे माफ कर देना। हो सके मुझे भूल जाना राम। गीता, तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझती? मैं मैजिस्ट्रेट नहीं, सिर्फ एक सरकारी वकील हूं। मैंने जो कुछ किया वो मेरा फर्ज था गीता, मेरा फर्ज था। राम, वो आदमी जो अभी अभी यहां से हथकड़ी में जकड़ा हुआ गुजरा है तुम्हारे लिए सिर्फ एक मुलजम था, एक मुकदमा था जो तुम जीत गए। लेकिन राम, वो मेरे पिता थे, मेरे लिए सब कुछ थे। मैं ये कैसे भूल सकूंगी कि तुमने उन्हें जेल भेजा है? तुमने राम, तुमने नहीं गीता, तुमने ऐसा मत कहो गीता, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। तुम्हें नहीं मालूम अपना फर्ज निभाते हुए वो मेरे दिल पे क्या गुजरी है। फर्ज फर्ज होता है, प्यार प्यार होता है। कुछ तो सोचो गीता, मैंने तुमसे कितना प्यार किया है। प्यार तो क्या, मैंने तुम्हारी उपासना की है गीता। भूल जाओ वो प्यार, भूल जाओ वो उपासना। ये क्या हुआ भाई? अमर, क्या होना था? ये सब तुम्हारे करतूतों का नतीजा है। मेरी करतूत? मैं अमर, तुम इसको गाली न देते और न ये रुकती। अब मुझे क्या मालूम, अब ये जाने का नाम भी नहीं लेगी। जरा नीचे चल के देखते हैं क्या हुआ। बेटे, जल्दी से पहुंचना है एयरपोर्ट पर। मेरी माँ ठीक हो जाना, अब क्या होगा? अब क्या होगा मुन्ने मियाँ, जल्दी से कोई गाड़ी रोक लो। गाड़ी? हाँ। अच्छा, अरे वो गाड़ी आ रही है। माशाल्लाह, क्या अदा पाई है आपने। लिफ्ट प्लीज, जरा जोर से बोलिए। अच्छा, अरे वो दूसरी गाड़ी आ रही है। लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट प्लीज। अमा, कोई गाड़ी नहीं रोकता। मुन्ने मियां, ऐसे कोई गाड़ी नहीं रोकेगा। हमें कोई तरकीब लगानी होगी। क्या? एक काम करो, तुम बेहोश हो जाओ। मैं? तुम्हें देखकर कोई ना कोई गाड़ी रोक लेगा। अमा, मैं तो बेहोश हो जाऊं? अगर उसका ब्रेक फेल हो गया तो? बेहोश हो जाओ वरना मैं तुम्हें बेहोश कर दूंगा। अच्छा अच्छा, मगर देखिए, हमारी गाड़ी क्यों रोक दी? इसलिए कि मैं बेहोश हो गया था।
देखिए हमारी गाड़ी खराब हो गई, हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। मेहरबानी करके हम दोनों को लिफ्ट दे दीजिए। जी नहीं, हम गैरों को लिफ्ट नहीं देते। अजी एक मिनट अंदर बैठने को तो कहिए, एक मिनट में गैर भी अपने हो जाएंगे। देखिए मेरा बम्बई पहुंचना बहुत जरूरी है। एक मरतबा आप ही की तरह एक शरीफ आदमी को मैंने लिफ्ट दी थी और वो मेरा बटवा लेकर चलता बना। क्या हम आपको क्या ये आपको बटवा मार लगता है? अजी बरकुरदार, मैं आपको बटवा मार नजर आता हूँ। बहनी मुनिमिया ये समझ रही है, अजीब लड़के हैं आजकल की, शरीफ आदमी को बटवा मार करके लाहौल वाला कुवत है। देखिए मुसीबत के वक्त इंसान इंसान के काम आता है। बुजुर्ग कह गए हैं, कर भला हो भला, अपना बुरा भला अपने पास रखिए। प्रदीप भैया चलो। सेल्फिश पीपल। देखा मुनिमिया, इंसानियत का जमाना है ही नहीं। बरकुंडा कॉलेज का जमाना बराबर याद आ गया, अब देखता हूँ कैसे जाते हैं वो देखो। अरे ये तो पंचर हो गई। और दूसरा व्हील भी तो नहीं है। अब एयरपोर्ट कैसे जाएंगे? हाँ गाड़ी आ रही है, लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट, लिफ्ट प्लीज। क्या है? कहिए कहाँ जाना है आपको? हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं। एयरपोर्ट? लेकिन हमारी गाड़ी के पुर्जे तो ढीले हैं। वो आप दोनों को देख के ही नजर आ रहे हैं। क्या बात है? मगर हम आप दोनों को लिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है हम दोनों ही चलते हैं। देखिए साहब, हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अगले दिन ये तो सबको दीजिएगा। ये बात है। ए मिस्टर, ये गाड़ी है लारी नहीं, क्या समझे? तो आपकी लिफ्ट को कौन परवाह कर रहा है, ले जाइए अपनी गाड़ी। हाँ, ले जा रहे हैं, ले जाइए ना, ले जाइए ना। आप क्यों परवाह कर रही है, छोड़िए, जान दीजिए, जान दीजिए। दी जाता है तुम्हारा। सुभान अल्लाह क्या अंदाज है, शुरू हो जाइए। चलो आशा हम पैदल ही चलते हैं। दीदी आप ये लीजिए, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। काली काली साड़ी में गोरी हो गोरी सिमटी हुई, काली काली साड़ी में गोरी हो गोरी सिमटी हुई, जैसे देखो चंदन से नागन हो नागन लिपटी हुई, हुस्न के या खुदा दिल है तुझ पे फिदा, रुक जा रुक जा, अरे रुक जा, हो जरा रुक जा, काली काली साड़ी में गोरी हो गोरी सिमटी हुई। सुहाना खजाना खजाना, पर मेरी जाने जा, ये जमाना दीवाना दीवाना, यहाँ फिरते हैं कितने ही छैला, हर लड़की को समझे वो लैला, कोई पीछे पड़ा तो करेगी तू क्या, रुक जा रुक जा, अरे रुक जा, हो जरा रुक जा, ओ काली काली साड़ी में गोरी हो गोरी सिमटी हुई। और चैना अपने घर में, तेरी सासू ना मेरी कोई बहना, दास बन के ये बंदा रहेगा, राज घर पर तेरा ही चलेगा, मुझसे अच्छा भला मिल जाए तो जा, चली जा चली जा, ये तो चली, ओ जरा रुक जा, ओ काली काली साड़ी में गोरी हो गोरी सिमटी हुई,
ऐसे देखो चंदन से नागन हो नागन लिपटी हुई हुस्न के ऐ खुदा दिल है तुझ पे फिदा रुक जा रुक जा रुक जा हो जरा रुक जा आपका जहाज भी गया और टिकट भी गया अब आपको नया टिकट लेना पड़ेगा 150 रुपए का 150 रुपए यस मगर मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं मेरे पास तो सिर्फ 40 ही है फिर भी 10 रुपए कम है हम 10 लाएंगे कहां से हमें यहां कौन देगा अब क्या होगा माफ कीजिए मोहतरमा आप 10 रुपया मुझसे ले लीजिए मगर इतनी छोटी सी बात के लिए वल्लाह पैमाने न छलकाइए अरे कहाँ गए तुम अपने पैसे जेब में रखो मुन्नी मियां हम दे देते हैं तुम तो यहीं रह जाओगे हम इनके साथ जा रहे हैं ये हमारी हम सफर है आधा वर्ष ले लीजिए मैं भीख मांग लूंगी लेकिन आपसे 10 रुपए नहीं लूंगी अरे अरे ये इतना जुल्म न कीजिए अरे कोई बात नहीं ये 10 रुपए हमें टांगे में जाने के लिए काम आएंगे आधा वर्ष है सुनिए सुनिए देखिए हमारी टिकट खराब हो गई है नई टिकट के लिए 10 रुपए चाहिए आप उधार दे दीजिए बॉम्बे चलकर वापस कर दूंगा 10 रुपए थैंक यू बच्चा लोग 10 पैसा मांगता है तो तुम डांटता है और छोकरी लोग को 10 रुपए देता है चलो घर पे बताता है तुमको शर्म नहीं आता मेरा हस्बैंड पे लाइन मार शट अप यू शट अप ये लीजिए 10 रुपए इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनने की क्या जरूरत है ये भीख नहीं ले लो शालू ले लो बंबई जाके लौटा देना थैंक यू वेरी मच बाय अच्छा बरकुरदार खुदा हाफिज खुदा हाफिज फिर कब मुलाकात होगी अगले साल आपके जरूर खुदा तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा अच्छा बरकुरदार जरा मोहतरमा का ख्याल रखना अगर कहो तो मैं चलता हूँ अच्छा आधा बजे सुनिए ओ ओ हेलो 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 आइए आइए मुझे मालूम था आप मेरे साथ बैठने आएंगे जी मैं यहाँ बैठने नहीं आई आप अपना एड्रेस बता दीजिए ताकि आपके 10 रुपए पहुंचा दिए जाए आप तकलीफ क्यों करती हैं आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए मैं खुद चलाऊंगा लेने के लिए मेरा एड्रेस इतना सस्ता नहीं है तो फिर वो मलबार हिल पर वो हैंगिंग गार्डन है ना वहां आ जाइए ना वो आपका घर है ना मेरा घर जी मैं ऐसी जगह पर नहीं आऊंगी तो फिर वो नरीमन पॉइंट है ना जहाँ वो एयर इंडिया की बिल्डिंग है मैं वहां भी नहीं आऊंगी तो भूल जाइए रहने दीजिए ऐसा लगता है आपको मेरे पैसे लौटाने की नीयत ही नहीं है देखिए आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं अपने अल्फाज वापस ले लीजिए वरना क्या झगड़ा करेंगे आप देखिए भाई लोग 10 रुपए ले लिया और ऊपर से झगड़ा करने चली आई मैडम प्लीज टेक योर सीट वी आर अबाउट टू टेक ऑफ जहाँ हमेशा होते हैं अपने लाइब्रेरी में आप नहीं होते हैं तो खाना भी वही खाते हैं और कभी कभी सो भी जाते हैं एक औरत ना हो एक आदमी की जिंदगी में तो आदमी की जिंदगी भला क्या होती है अच्छा तो आप अपने आप को आदमी भी समझने लगे जी मैं आदमी नहीं तो फिर क्या हूँ बुद्धू क्या बुद्धू भैया ए मोहन खाक हो गया था न चिट्ठी न तार गया था हफ्ते भर के लिए और आया एक महीने बाद यूं ही दिल लग गया था भैया उस जगह से या किसी ऐसी कोई बात नहीं मैं खैर छोड़ो सबसे पहले मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ इम्तिहान में पास होने की मोहन मुझे बेहद खुशी है कि इस घर में एक और लॉयर पैदा हो गया इसे देखो इंसाफ की बेटी हाथ में तराजू है और आंखों पे पट्टी इसलिए है कि इंसान होने के नाते
कहीं जज्बात के रौ में बहकर इंसाफ कानून के साथ नाइंसाफी ना कर बैठे। नहीं भैया, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इंसाफ की देवी ने जो आंखों पर पट्टी बांध रखी है वो खोल दी जाए, ताकि वो कटहरे में खड़े हुए मुजरिम के पीछे छुपी हुई इंसान की मजबूरी को देख सके और वो जेल जाकर चोर और डाकू बनने के बजाय समाज का एक अच्छा शहरी बन सके। इसलिए मैंने फैसला किया है, वकील बनूंगा तो वकील सफाई। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा मोहन, जब कचहरी में मैं सरकारी वकील बन के आऊंगा और तुम मेरे सामने मुकाबले में खड़े होगे, फिर हम दोनों में लड़ाई होगी जैसे कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ था, और कहीं तुमने इस महाभारत में हमें हरा दिया तो हमें इस बात की बहुत खुशी होगी। आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। सुनाओ, मदुराई से आयरन कंपनी ने अभी तक माल भेजा है कि नहीं? जी हाँ, सामान डिस्पैच हो चुका है, एक दो दिन में पहुंच जाएगा। और मिस्टर अय्यर ने आपके लिए तोहफा भेजा है, पेन सेट। भाई कमाल का है ये हमारा दोस्त अय्यर, हर बार मना करता हूँ लेकिन हमेशा कोई ना कोई चीज भेज ही देता है। हाउ नाइस ऑफ हिम। सर मुझे छुट्टी चाहिए। ओह यस यस, तुम जा सकती हो, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड। जी मेरा मतलब है कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। ओह नो नो मिस शालू, तुम तो जानती हो कि जब से मिस्टर गुप्ता बीमार पड़े हैं सारा काम तुम्हें संभालना पड़ता है। आई एम टेरिबली सॉरी। हाँ मिस्टर गुप्ता वापस आ जाए तो तुम छुट्टी पर जा सकती हो। ओके सर। ना तो मिस्टर गुप्ता वापस आएंगे और ना ही तुम्हें छुट्टी मिलेगी। इन हीरों को मोतीराम की दुकान पे पहुंचा देना। अच्छी बात है। कितने अच्छे हीरे हैं। पसंद है तुम्हें? ये लो, लो। लेकिन जगदीश मेरा मतलब है कि ले लो ना। कह देना कि जगदीश को एक हीरा पसंद आ गया। वेरी गुड। लेकिन ख्याल रहे कि एक हाथ से माल लेना और दूसरे हाथ से माल देना, इसकी परवाह मत करो। आज इतने लोग कहां से भर्ती हो गए? हाय हैंडसम। और तुम जरा टेबल। आप और ऐसे? What, आप और ऐसे? आप तो कहती थी यहाँ नहीं जाऊंगी, वहां नहीं जाऊंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, और यहाँ कैसे? किसने कहा था? किसने कहा था? कब कहा था? लगता है आप अपनी याददाश्त खो बैठी। ना कम ऑन, अगर तुम मेरे साथ डांस करना चाहती हो तो बी फ्रैंक, बहाने बनाने की क्या जरूरत है कि यहाँ मिला था वहाँ मिला था। आपको सचमुच कुछ याद नहीं? वो गाड़ी का पंक्चर होना, एयरपोर्ट टिकट मेरे 10 रुपए। अच्छा तो तुम हो वो जो मेरी बहन शालू से मिले थे? आपकी बहन? हाँ मैं हूँ किरण और वह है शालू। हम दोनों बहनों की शक्ल इतनी मिलती है कि बचपन में माँ बाप भी धोखा खा जाते थे। कमाल है आप। ये आप क्या लगा रखा है? तुम कहो क्या मैं तुम्हें तुम नहीं कहती? तो मैं तुम्हारी बहन से मिल सकता हूँ? बहन को मारो गोली। आओ डांस करें। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैं जानती हूँ। क्या जानती हूँ? यही ना, काश किरण की जगह शालू होती मेरी बाहों में। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें सिर्फ मेरी परवाह होगी, शालू की नहीं। Yeah!
गुड मॉर्निंग मिस शालू. गुड मॉर्निंग. यस जगदीश एंड कंपनी. जस्ट होल्ड ऑन प्लीज. हाउ आर यू? फाइन थैंक यू. मिस शालू गुड मॉर्निंग सर. हाँ मिस शालू गुड मॉर्निंग प्लीज. थैंक यू. हाय हाय किरण. शालू कहाँ है? शालू घर में नहीं है. तो फिर कहाँ गई? बाहर गई है. आज ऑफिस जरा जल्दी. ऑफिस भी नहीं गई. तो फिर कहाँ गई? अगर बताऊंगी तो जल जाओगे. क्या मतलब? मतलब ये कि वो किसी से मिलने गई है. ये हो ही नहीं सकता. तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो. मैं शालू को अच्छी तरह जानता हूँ. मुझसे भी ज्यादा? यस. अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ, अभी बताती हूँ. कहाँ है शालू? मोहन मेरी तरफ देखो और बताओ, शालू में ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है? अब समझा, तुम मुझे इसी बहाने यहाँ लाई हो? नहीं सही. मोहन मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. पागल ना बनो किरण, तुम तो जानती हो मैं सिर्फ शालू से प्यार. शालू शालू शालू, जब देखो उस बोर का नाम हमेशा नाक चढ़ाए रहती है. मुझे तुम्हारी शिकायत शालू से करनी पड़ेगी कि तुम उसके पीछे उसकी बुराई करती हो. मेरे ठेंगे से. मैं क्या उससे डरती हूँ? मैं तो उसे नफरत करती हूँ. अगर वो ना होती तो तुम मुझे से प्यार करते. अच्छा चलो गाड़ी में बैठा, मुझे जाना है. शालू से मिलने? यस. मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी. चाबियां दे दो. मैं कहता हूँ चाबियां दे दो. नहीं देती. मैं कहता हूँ दे दो, नहीं तो. नहीं तो क्या करोगे? जबरदस्ती करोगे? देखो तो जहन्नुम में जा चाबियां, और उसके साथ तुम भी. जो
बार तुमसे कह चुका कि सरकारी वकील का घर है, पिछवाड़े से आया करो। पिछवाड़े से आया करो, चुप। मैं तुम बावर्चियों को अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए मैं सामने से आती हूँ और सामने से जाती हूँ। चल हाथ लगा, मेरी सुराईदार गर्दन टेढ़ी हो गई। बस इतने ही में पसीने छूट गए प्यारे, बोल क्या चाहिए? चाहिए क्या खा? तुम तो हमेशा दो ही चीजें लाती हो, कद्दू या बैगन। बाजार में क्या तीसरी चीज नहीं मिलती? जैसी शक्ल वैसा सौदा, मेरे पास तो दो ही चीजें हैं, लेना है तो लो, नहीं तो मैं चली। अरे ऐसी भी क्या बात है, आई हो तो देती जाओ, एक किलो कद्दू ताजा। कमाल है, अरे अजीब ग्राहक हो, सामान खरीद रहे लेकिन भाव नहीं पूछ रहे। 12 आने किलो है कद्दू। तुम 12 आने की बात करती हो भाजी वाले, हम तो दिलो जान का सौदा कर बैठे। ए बावर्ची साहब, दिल और जान के बाजार में कद्दू के बराबर भी कीमत नहीं है, समझे? और तुम आज कान खोल कर ये बात सुन लो, मुझे ये चोंचले और इश्कबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। जल्दी से कोई मकान खरीदो और मेरे से ब्याह रचा लो। तुम्हें नहीं मालूम, जब मैं बाजार और गलियों से गुजरती हूँ तो जवान छोकरे मेरी जवानी को देख के कोई सीटी बजाता है, कोई इशारा करता है, कोई मुंह आंख मारता है। ये मजाल है उनकी, मैं उनके मुंह आंख सब नोट डालूंगा। बस बस बस, रहम खाओ मुझ मासूम पर, के शादी से पहले मुझे विधवा करना चाहती हूँ। मतलब? मतलब तुम्हारा सब। ये लो कद्दू, जाके रसोई बनाओ, बहुत देरी हो गई। जरा ताकत लगाओ ना, इतनी दफा कहा कुछ खाया पिया करो, मेरी तरह सूख के कांटा हुए जा रहे हो। और सुनो, इस कद्दू के दाम मिला के 6 रुपए 12 आने हो गए। हाँ याद रखना। हाँ हाँ याद रखता हूँ तुम्हारा हिस्सा। जाओगी? प्रीतम बाजी ले लो बाजी। टैक्सी। एट योर सर्विस। मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। मैंने भी अपनी दिल की बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एक तरफ किरण को बनाते हो और दूसरी तरफ मुझसे प्यार की बातें करते हो। तुम एक नंबर के फ्लर्ट हो। मैं किरण से कहूंगी और देखती हूँ तुम इसे कैसे मिलते हो। मैं भी तुमसे यही कहने आया हूँ, उसे घर से बाहर निकलने मत दो। जानती हूँ मेरे साथ कल उसने क्या सलूक किया? छी 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 छी, मुझे तो बताते हुए शर्म आती है। क्या किया? अरे साहब पूछिए उसने क्या नहीं किया। बाग में कल मुझे बनाकर ले गई और खुले आम लोगों के सामने जो बेशर्मी से उसने गाना गाना शुरू किया। तुम है अपना न बनाया तो मेरा, ये कोई तरीका है? तुम सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम। मैं भी जाकर उसे ठीक करती हूँ। नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए। चलो 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 चलो, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बैठो बैठो। सरकार काफी देर हो गई, छोटे सरकार अभी तक आया नहीं। आपका खाना लगा दो। रहने दो राजा, मोहन भी आता ही होगा। भैया आपने अब तक खाना नहीं खाया? तुम्हारे बगैर आज तक खाया है कभी? आप कई बार विलायत हो आए हैं लेकिन रहे हिंदुस्तानी के हिंदुस्तानी। भैया आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? यूं समझ लो मोहन, शायद इन हाथ की लकीरों में शादी लिखी नहीं है। या आप बताना नहीं चाहते? तुमसे छुपाना भी क्या है, एक लड़की थी मोहन जिससे मैं बहुत प्यार किया करता था। उस वक्त मैं नया नया सरकारी वकील बना था। इत्तेफाक से कठेरे में जो मुलजिम खड़ा था उसी लड़की का बाप था। वो मुकदमा तो मैं जीत गया लेकिन दूसरा मुकदमा हार गया, अपने प्यार का। अपनी किस्मत जाके अपनी मोहब्बत से टकरा गई। इसे लकीरों का खेल नहीं तो और क्या कहोगे मोहन? उस दिन से मैंने फैसला कर लिया, इस घर में भाभी आएगी तो हमारी, तुम्हारी नहीं। हाँ देखें तुम्हारा हाथ क्या कहता है। सरकार खाना लग गया। हाँ चलिए भैया खाना खा लेते हैं। अच्छा फिर कभी। हेलो किरण। शालू अंदर है। तुम भी तो हो?
मैं तुम्हारे रास्ते में हूँ ना, लो हट जाते हैं। आज हो क्या गया है तुम? तुम नहीं जानते, ये देखो तुम्हारा दिया वक्त मुरझा गया है ना। फूल तो मुरझा ही जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने इसे प्यार से संभाल कर रखा था। और एक तुम होके मैं क्या, मुझसे नहीं शालू से प्यार करती हूँ। अगर ऐसी बात थी तो क्यों आए थे उस दिन मुझसे मिलने के लिए? क्यों दिया था ये फूल मुझे? किरण, ये खाबों का रंग महल तुमने बनाया है, मैंने नहीं। मुझे अफसोस है कि मैंने। बस बस रहने दो, मुझे तुम्हारी झूठी तसल्लियों की जरूरत नहीं है। जाओ शालू, मोहन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या हो गया है तुम्हें? मुझको नहीं, तुम्हारी बहन को। क्या हुआ उसे? ना जाने कैसे उसे गुमान हो गया कि मैं उसे प्यार करता हूँ। यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हाँ, तुम जब भी मिले बस पीछे ही पड़ गए। दिल तो साहब जैसे हथेली पे लिए घूम रहे हैं, नजरें मिली नहीं बस जान हासिल है। किरण बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। क्या मतलब? किरण जब से तुम्हें मिली है पागल हो गई है। शालू, तुम तो जानती हो मैं तुमसे सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। प्यार में लोग कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां करते हैं। देखो मोहन, किरण के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, वो भोली है, बच्ची है। अगर तुमने उसे स्वीकार नहीं किया तो उसका दिल टूट जाएगा। शालू, तुम मुझसे इतना बड़ा इम्तिहान ना लो। मैं कुछ नहीं, तुम्हें मेरी खातिर, अपने प्यार की खातिर किरण को अपनाना होगा। लेकिन प्लीज। मोहन तुम्हें बुला रहा है, उसने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। मुझे तो शर्म आती है दीदी, मैं किस जबान से उसका शुक्रिया अदा करूं? तू? मैंने कुछ भी नहीं देखा, मेरी तो आंखें बंद थी। बस इतना जान गया कि तुम दो नहीं हो, एक हो। माफ करना मोहन, मैंने ये मजाक इसलिए किया था क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। वाह साहब, आपका मजाक रहा और आग तो मेरे घर में लग गई। आग? मैं समझी नहीं। भेस बदल कर ये जो तुमने नाटक किया है, दरअसल किस्मत ने तुम्हारे साथ नाटक खेला। नाटक? तुम तो एक से दो बनी थी, लेकिन जिसे कभी एक बहन मिली कभी दूसरी, वो मैं नहीं, मेरा भाई है। तो फिर तुम कौन हो? मैं अपने भाई का भाई। कहीं तुम भी तो मुझसे वो नाटक। नाटक तो तब खत्म होगा जब वो हम सबको छोड़कर चला जाएगा। चला जाएगा कहाँ? साधु बनने के लिए। आज शाम के हवाई जहाज से वो हरिद्वार जा रहा है, सिर्फ आधा घंटा बाकी रह गया। तुम जल्दी जाके उसे रोक लो वरना मेरा भाई छूट जाएगा और तुमसे तुम्हारा। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं जाती। मोहन, ये तुमने क्या किया? मुझे यहाँ अकेला छोड़कर साधु बनने चले गए। मैंने तो मजाक किया था, उसकी इतनी बड़ी सजा। ये लो, आंसू पोंछ डालो। तो? हाँ, मैं अपने भाई का भाई। अपने भाई का भाई? कौन सा भाई? वो जो चला गया या जो पीछे रह गया? दोनों। जिस तरह तुम दोनों बहनें थीं और नहीं थीं, उसी तरह हम दोनों भाई थे मगर नहीं। सच? ये लो, आंसू पोंछ डालो। नहीं पोछती, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं तुमसे नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं। चलो छोड़ दो मुझे। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं करती। क्यों नहीं करती? कहते आना, नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। क्या तुमको प्यार करना नहीं आता? नहीं आता। नहीं? हाँ हाँ, नहीं। मेरी कसम, प्यार सिखा दूं? सिखला दो ना, आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं। सिखला दो ना, प्रेम नगर की डगर दिखा दूं। सिखला दो ना, दिल की धड़कन क्या होती है ये अनजाना राज बता दूं। प्यार
सिखला दो ना प्रेम नगर की डगर दिखा दूं सिखला दो ना राजा, ओ राजा, आया बड़े सरकार, ये लीजिए। मोहन बाबू कहाँ हैं? वो आ गए। आया भैया। आओ मोहन, आज बहुत दिन बाद राजा ने फिर पराठे बनाए, लो खाओ। किस चीज के हैं राजा? कद्दू के। कद्दू के? हाँ। दुनिया में आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे सुने हैं, कद्दू के पराठे तुम्हारी इजाद है राजा। भैया आप जानते हैं रोज कद्दू क्यों बनता है? क्यों? दोपहर में तरी वाला, रात को सूखा, और यहां तक कि जब मीठा बनता है वो भी कद्दू का। अब आप समझ गए? समझ गया। देखो राजा, आज से इस घर में सब कुछ बनेगा, कद्दू नहीं बनेगा। ये तुम भी समझ लो और अपनी कद्दू वाली को भी समझा दो। समझे? कद्दू नहीं बनेगा। हाथ से कान खोलकर सुन लो, ये कद्दू से काम नहीं चलेगा, ना ही बैगन से। लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं, मैंने बोल दिया बस। उठाओ अपनी क्रॉफर्ड मार्केट और दिखाओ अपनी पीठ। ए भगवान, आज मेंढक को भी जुकाम हो गया। मेंढक कहाँ है मेंढक? सुनो सुनो, हाँ। आज कहीं तुम्हारे मालिक ने तुम्हारी चंपी तो नहीं कर दी जो मेरे पे गुस्सा उतार रहे हो? ये सब तुम्हारी कद्दू और बैगन की वजह से है। मेरे कद्दू क्या बकते हो जी? अच्छा भैया मैं चलता हूँ। क्या बात है, नाश्ता नहीं करोगे? मुझे जरा बाहर जाना है। कहाँ? जी कहीं नहीं। कहीं नहीं लेकिन फिर भी जा रहे हो? देखो मोहन, कॉलेज जाना तुम्हारा खत्म हो चुका है और कचहरी जाना भी शुरू नहीं हुआ। ये कॉलेज और कचहरी के बीच कौन सी जगह ढूंढ ली है? अब मैं आपसे कहूं तो क्या कहूं? कहने की कोई जरूरत नहीं। अब इतना बता दो कि हमें मिलाने उसके पास ले जाओगे या उसे मिलाने हमारे पास ले आओ? भैया शालू ऑफिस के काम से मद्रास गई हुई है, वो आज ही वापस आने वाली है, तो मैं उसे एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ। कह दूंगा मेरे भैया तुम्हें देखना चाहते हैं। माफ कर देना भाजी वाली। माफ कर देना भाजी वाली, पहले तोप मारे और फिर माफी मांगे। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बाबूजी। ये अनाथ है, इसे ज्यादा मत डांटा करो। इसका पूरे संसार में मेरे सिवा कोई नहीं है, अपने छोटा बालक है, इससे गलती हो जाए तो माफ कर दिया कीजिए। शर्म नहीं आती? औरतों से सिफारिश करवाते हो? क्या करूं सरकार, जमाना ही कुछ ऐसा आ गया है। बाबूजी देखा कितने प्यार से तेरे बाबूजी को भी पटा लिया मैंने। हाँ ये लो, तुम्हारे कलकत्ते वाले दोस्त मिस्टर बनर्जी के बच्चों के लिए टॉफी। सब माल अच्छी तरह रख दिया ना? एकदम। और हाँ जगदीश, मैं एक बात सोच रहा था, देखो 8 लाख का माल है
और शालू अकेली जा रही है। मैं सोचता हूं कि मैं उसके साथ चला जाऊं तो? नहीं, तुम्हारे जाने से पुलिस को शक होगा। ये तो है। तो? हाँ मैं मिस्टर जॉन को ये फाइल देने आई थी। कितनी बार तुमसे कहा कि उस दरवाजे से आया करो और आने से पहले नॉक किया करो। अगर उस दरवाजे पर नॉक करके आती तो आज मुझे ये कैसे मालूम होता कि जिस दफ्तर में मैं काम कर रही हूँ वो दफ्तर नहीं जुर्म का अड्डा है। काश मुझे पहले ही मालूम होता। तो तुम्हें आज ही मालूम हुआ? ताज्जुब है, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरे सेक्रेटरियों को कितनी तनख्वाह मिलती है? सिर्फ 200 रुपए, और तुम्हें हम 1000 रुपए देते हैं, साथ में रहने के लिए शानदार फ्लैट। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, ना मुझे तुम्हारी नौकरी चाहिए और ना ही फ्लैट। मैं कल से दफ्तर नहीं आऊंगी और ना ही कलकत्ते जाऊंगी। शट अप। कलकत्ता तो तुम्हें जाना ही होगा, इस धंधे में इस्तीफे नहीं मंजूर होते। इस धंधे का सिर्फ एक रास्ता है जिस पर तुम चल चुकी हो। एक रास्ता और भी है जो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। कोशिश करके देखो उस रास्ते पर जाने की, जिंदा बचकर नहीं पहुंचोगी। कोशिश करो। पिया बिना नहीं आवत चैन। जी और सर, आज इस सारे घर को फूलों से सजा दो। क्यों, बारात आने वाली है क्या? बुद्धू, बारात जाएगी इस घर से। आज तो सिर्फ वो लड़की आ रही है जिससे हमारे मोहन की शादी होने वाली है। सच? ये देखो हम क्या लाए हैं अपनी होने वाली भाभी के लिए। हीरे की अंगूठी। राजा, हमसे हो सके तो उसके लिए हीरे का फर्श बिछवा दें, उसे मोतियों में तोलें और मोती उसके सर से वार कर दें। राजा, दुनिया में कोई नहीं जानता कि हमारे दिल में मोहन के लिए कितनी जगह है। सरकार, क्या ही अच्छा होता अगर आप भी। फिर वही बात, मैंने तुमसे बार बार कहा, यह बात को मत दोहराओ, जाओ अपना काम करो। अच्छा सरकार। ये लो। क्या है ये? हमारी तरफ से तोहफा, हमारे जन्मदिन का। तुम्हें पार्टी में चलना ही होगा इसे पहनकर। पार्टी का वक्त हो रहा है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम मुझे डराकर जबरदस्ती अपने कैद में रख सकते हो, लेकिन जीते जी मुझे ये कफन पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अच्छी बात, मेरे लिए ना सही, अपने मोहन के लिए पहन लो। मोहन के लिए? हाँ, मैंने खास तौर पर उसे यहां बुलाया है। क्यों बुलाया है ये भी सुन लो। तराजू में दो चीजें धरी हैं, एक तरफ तुम्हारी नौकरी और दूसरी तरफ मोहन की जान। भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ, मैं तुम्हारा रस किसी से नहीं कहूंगी, मोहन से भी नहीं। मुझे अपनी जान मोहन की जान से ज्यादा प्यारी है जिससे तुम मोहब्बत करती हो, और मोहब्बत अंधी होती है, गूंगी नहीं। तुम किसी वक्त भी मोहन की बाहों में पिघल सकती हो और मेरा राज खोल सकती हो। इसे देखो, ये बेचारा भी तुम्हारी मोहब्बत की तरह अंधा है, और अंधे का क्या भरोसा, वो पार्टी में जाने किस तरफ चल पड़े। ये तुम्हारे मोहन पे भी चल सकता है। तुम्हें मोहन की जिंदगी के लिए पार्टी में आना ही होगा, यही कफन पहनकर। और इतना ही नहीं, पार्टी में तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं होंगे। जो होठ मोहन की दुनिया में मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, वही होठ उसके लिए आज जहर उगलेंगे। तुम्हारा दिल रोएगा अंदर, मगर तुम हंस हंस के उससे कहोगी कि तुम्हारा प्यार एक नाटक था, नाटक के सिवा और कुछ भी नहीं था। Thank you.
हाय, क्या पाया तड़पाने में, पियो पिलाओ जी भर के, आए हो जब मैं खाने में, पियो ना थोड़ी सी पति। शालू, ये सब क्या तमाशा है? तमाशा? तमाशा तो खत्म हो गया, ये हकीकत है जिसे तुम देख रहे हो। फिर वो क्या था? हमारा वो प्यार, वो तुम्हारे वादे? कौन सा प्यार, कौन से वादे? सफर में दो अजनबी मिले, वक्त काटने के लिए एक ने कहानी सुनाई, दूसरे ने लतीफ़ है। सफर खत्म हुआ साहब,
और आप अब तक उस कहानी और नदी में से लपटा हुआ है। तुम नशे में हो शालू, तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या कह रही हो। नशे में तुम हो जो अब तक यही समझते हो कि मैं तुमसे प्यार करते हो। शालू के प्यार की एक कीमत है जिसे जगदीश दे सकता है, तुम नहीं। ये तुम्हारी कीमत नहीं, मेरी आखिरी मुलाकात का तोहफा है। अच्छा राम बाबू, मैं चलता हूं। मुझे इतनी जल्दी भी क्या है इंस्पेक्टर, मैं रुकता जरूर लेकिन यार मुझे ड्यूटी पर पहुंचना है। एंड यू नो ड्यूटी इज ड्यूटी। मेरी तरफ से मोहन को मंगनी की बधाई जरूर देना प्लीज। थैंक यू। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, चेयर्स। जितना इंतजार आज तुमने करवाया है उतना इंतजार तो मैंने अपनी शादी के लिए भी नहीं किया था। नहीं जैसा साहब, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मोहन को आशीर्वाद आप ही को देना है। लेकिन वो अब तक है कहाँ भाई? इतनी देर में तो मंगनी बिया और तलाक तीनों काम हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहते, पहले मंगनी फिर बिया और उसके बाद तलाक। मैं भी तलाक देकर आया। क्या मजा है, जानते हो यहाँ कौन कौन लोग मौजूद है? शालू, शालू दिख गई, अब कोई मंगनी नहीं होगी। आप सब लोग खड़े खड़े क्या देख रहे? जाइए ना अपने अपने घर, जाइए जाइए ना। तुम्हें शर्माने चाहिए, रहने दो राम। मैं माफी चाहता हूं जज साहब। इट्स ऑल राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा राव, हमें इजाजत दो अपने भाई को संभालने। शाबाश मेरे भाई, खूब हक अदा किया है भाई होने के नाते। सर जो आज तक किसी के सामने नहीं झुका, तूने सबके सामने झुका दिया। तुमने ये नहीं सोचा कि कल मैं कचहरी जाऊंगा तो कौन सा मुंह लेकर अदालत में मेरे नाम का एक मजाक बना हुआ होगा। मुझे ये नहीं मालूम था जिस भाई की जान को मैंने अपनी जान से अजीज समझा, वो आज भैया, भैया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आपको नहीं मालूम मुझ पे क्या गुजरी। मोहन, मर्द दिल लगाते भी हैं और दिल पर खाव भी खाते हैं, लेकिन हंस हंस कर, तुम्हारी तरह रोकर नहीं। मोहन, मैं रो कर रहा हूं भैया, मैं तो हंस रहा हूं, मैं हंस रहा हूं भैया। अपने कमरे में नहीं है, उनके बिस्तर पर ये चिट्ठी पड़ी थी। भैया मैं जा रहा हूं, जाते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, शालू जिसे मैंने एक देवी समझकर प्यार किया, जिसकी मैंने उपासना की, वो देवी से एक गिरी हुई नीच औरत निकली। उसका असली रूप देखकर मैं अपने जज्बात पर काबू ना पा सका और जो कुछ कल पार्टी में हुआ उसके लिए भी शर्मिंदा हूं। सुना है वक्त दिल के सारे घाव भर देता है, जिस वक्त मेरे घाव भर जाएंगे मैं आपके पास वापस आऊंगा, जहां भी रहूंगा
आपको खबर करूंगा। सोच में पड़े हो जाओ जगदीश, ये तो ठीक है कि शालू के हर कदम पर हमारा पहरा है, हर हरकत पर हमारी नजर है, लेकिन कैदी की तरह जेलर भी तो एक दिन कैदी बन जाता है, जैसे हम बने हुए आज। बिजनेस का कोई ठिकाना नहीं है, दिल्ली से टेलीफोन पर टेलीफोन आ रहे हैं, मद्रास वाले तकाजा कर रहे हैं, विलायत वाले हमसे रोज पूछते हैं कि हमारा बिजनेस बंद तो नहीं हो गया। जान, तुम जानते हो कि हम उसको एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकते। उसका एक लफ्ज एक मिनट में तुम्हारे और हमारे लिए जेल के दरवाजे खोल सकते हैं। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ जगदीश, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एक झटके में उसकी और हमारी कैद का एक साथ खात्मा हो जाना चाहिए। वो हमसे आजाद हो जाए और हम उससे आजाद हो जाए। तुम ठीक कहते हो। ये लो अपना खामोश दोस्त। मैं समझता हूँ, लेकिन जरा होशियारी से। बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट। शालू कहाँ है? अपने फ्लैट में होगी। शालू अपने फ्लैट में नहीं है। नहीं 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 नहीं, बॉस मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी एक बीवी है, मेरी एक मासूम बच्ची है, बॉस मेरे अलावा उनका चलो। बॉस ये पुलिस के पास जाना चाहते हैं। आउट। ये मेरी भूल थी कि हमारे राज जाने के बाद भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन आज तुमने मुझे एक और गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी और कभी अपने आशिक को मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगी। मुझ पर तरस खाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। जाने दो, बता रहा हूँ यह सब। इतनी खूबसूरत हो, मुझे आज तक इसका एहसास ही नहीं हुआ। वैसे मुझे जैकी की बहुत सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। खैर जैकी न सही, चालू ही सही। निकाल दो ये सब। Thank you.
जगदीश कैसी हालत है? चोट तो मामूली से आई है लेकिन लेकिन क्या? ये लड़की चलने की ताकत खो बैठी है। नहीं डॉक्टर, मुझे अफसोस है। हमने कई एक्सरे लिए जिनसे यही साबित होता है कि ये लड़की अब चलने फिरने के काबिल नहीं रही। प्लीज, ना जाने मुझे किस बाप की सजा मिली है? किस बाप की सजा मिली है? बाप तो मुझसे हुआ है, आपका दोषी मैं हूं। जिस गाड़ी से आपका हादसा हुआ था वो गाड़ी मैं चला रहा था। काश आपने मुझे उस गाड़ी के नीचे कुचल दिया होता, मार डाला होता, ताकि मेरी दुख भरी कहानी तो खत्म हो जाती, ये जिंदगी एक बोझ बनकर तो नहीं रह जाती। देखिए सबर से काम लीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इलाज में कोई कसर न रहेगी। शहर का बड़े से बड़ा डॉक्टर आपका इलाज करेगा और मुझे यकीन है कि कुछ ही दिन में आप ठीक हो जाएंगे और अपने पैरों से चलती हुई घर जाएंगे। आपके घर वाले परेशान होंगे, 5 घंटे से आप यहां बेहोश थी। मुझे उनका पता दीजिए ताकि मैं उन्हें खबर करूं। मेरा कोई घर नहीं है। लेकिन कोई कहता दिया ना, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड आप घबरा के रही हैं। अम्मी आई, एक्सीडेंट के बाद पुलिस तो आती है पूछताछ के लिए और फिर इस मुकदमे में पुलिस तो आपके साथ है। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो वकील साहब, आपका मुकदमा मैं आसान किए देता हूँ। ये जितना हर्जाना जितना जुर्माना चाहे मुझे मंजूर है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना जुर्माना ना हर्जाना। इंस्पेक्टर साहब,
कसूर मेरा था, इनका नहीं। वो तो ठीक है वकील साहब, लेकिन कानूनी खानापूरी तो करनी ही पड़ेगी और मुझे इनका बयान भी लेना होगा। I understand, Inspector. Thank you. मैडम आपका नाम? जी आशा।
What do you mean, sorry, bar band ho gaya? Band ho gaya. I want one more drink. Sharab chahiye? Mere saath. Tum kaun? Tumhe sharab se matlab hai na? Mere saath. Sharab mil jayegi. किसी भी शराबी के साथ? मोहन, मोहन, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? क्या तुम मुझे जानती हो? जानती थी, दूर से देखती भी थी, दूर से चाहती भी थी। कई साल पहले तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन तुमने कभी आंख उठाकर मेरी तरफ देखा भी नहीं। आज देखा भी तो उस वक्त जब मैं क्या से क्या बन गई। अब याद आ रहा है, तुम जूली हो ना? लेकिन तुम जूली से लिली कैसे बन गई? एक नाइट क्लब डांसर। मेरे नसीब ने बना दिया, जैसे किस्मत ने तुम्हें शराबी बना दिया। मोहन, मैं एक औरत हूं, फिर भी देखो लड़ रही हूं अपनी बेदर्द किस्मत से, इस बेरहम जमाने से। तुम्हें भी लड़ना चाहिए अपने दर्द से, अपने दुख से, अपने मुकद्दर से।
मुझे अपनी बर्बादी का इतना गम नहीं जितना आज तुम्हारी हालत देखकर हुआ। आंखों के सामने जैसे गिरजे का बहुत ऊंचा मीनार गिर जाए। मैं कोशिश करूंगा कि तुम मुझे कभी इस हाल में ना देखो। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। तुम कितने बरस से यहां काम कर रहे हो? जी 5 बरस से। जिस दिन मिस्टर जगदीश का कत्ल हुआ उस वक्त तुम कहां थे? जी मैं छुट्टी पर गया हुआ था अपने मुल्क। अपनी जगह किसी दूसरे आदमी को छोड़ गए थे? जी हाँ। अब वो कहाँ? जी अब वो छुट्टी पर गया हुआ है अपने मुल्क। मेरे साथ चलो। हजूर कहाँ? छुट्टी पर पुलिस स्टेशन। चलो अगर कोई तो इलाज होगा डॉक्टर, और अगर यह नहीं है तो मैं आशा को लंदन अमेरिका कहीं भी ले जाऊंगा जहां उसका इलाज हो सके, वो चल सके। आप बेकार परेशान हो रहे हैं। जो इलाज बाहर हो सकता है वो हमारे हिंदुस्तान में भी हो सकता है और हो रहा है। लेकिन डॉक्टर कब तक वो बेचारी बिना उम्मीद बिना विश्वास की जिंदगी का एक बोझ उठाती रहेगी और कितने दिन इस तरह अपाहिज बनी रहेगी? मिस्टर राम कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो लाइलाज है। हाँ अगर कोई करिश्मा हो जाए तो बात और है। दुनिया में कुदरत से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। लीजिए दवाई, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो तंग आ गई हूँ इस हॉस्पिटल से, इस कमरे से, तुमसे और अपने आप से। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब ने आपकी सारी परेशानी दूर कर दी है। मुबारक हो, आज आप घर जा सकते हैं। जब भी घर का नाम आता है आप उदास हो जाती हैं। आशा दी, इस दुनिया में किसी का कोई ना कोई तो होता ही है। कोई तो जगह होती है जहां इंसान रहता है। इस हादसे से पहले आप कहां रहती थी? कहीं भी। कहीं से क्या मतलब? सोचा है आप इस हालत में कहां जाएंगी? कहीं भी चली जाऊंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगता है इस हालत में आप किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां आप बोझ नहीं समझी जाएंगी। कौन सी जगह? मेरा घर। आप जब तक चाहें रह सकती हैं, और मैं आपको वचन देता हूं आपकी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। राम बाबू। आज से इसे आप अपना घर समझिए। ये रहा आपका कमरा। देखो इनकी देखभाल में कोई कसर न होने पाए, समझे? समझ गया बड़े सरकार। देख क्या रहे हो, जाओ ना। जा रहा हूं बड़े सरकार। एक तो बड़े सरकार, दूसरे उनके छोटे भाई, वो आजकल यहाँ है नहीं, बाहर गए हुए हैं, और तीसरा मैं। क्या नाम है तुम्हारा? मैं अपना नाम लड़कियों को नहीं बताता। क्यों? बात यह है कि मुझे मेरे नाम से बुलाते हुए लड़कियां शर्माती हैं। ऐसा भी क्या नाम है? राजा मोरे, मोरे राजा। आप भी जरा बुलाइए ना। देखा, आप भी शर्मा गई ना, मैंने पहले ही कहा था। दयाल, शालू मोहन से जरूर मिलेगी। तुम मोहन के घर पे नजर रखो, और जैसे ही शालू वहां दिखे उसे खत्म कर दो।
माफ करना आशा, आज फिर देर हो गई, लेकिन लेकिन तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही थी और फिर बाहर कितनी जोर की आंधी चल रही है, आप भी नहीं आए थे। क्या बताऊं आशा, सारा दिन कोर्ट में मुजरिमों और खूनियों के साथ वास्ता पड़ता है और फिर कोर्ट के बाद पुलिस वालों के साथ, ऐसा लगता है कि अपनी सारी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। क्या सोच रही हो? राम बाबू, एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तुम्हारी बात का बुरा मानूंगा? तुम्हें तो हर बात पूछने का हक है। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? बस नहीं की, यूं समझ लो आज तक हमें किसी ने पसंद ही नहीं किया। आप बात टालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपने कभी किसी से प्यार किया है? करता था, करता भी हूं, लेकिन जिससे प्यार करता हूं उसे आज तक कह नहीं सका। आप इतने बड़े वकील हैं, बड़े से बड़ा मुकदमा लड़ लेते हैं, एक इतनी सी बात लड़के से नहीं बता सके? यही तो बात है आशा, कचहरी में प्यार का मुकदमा पेश करते हुए दिल कांपता है, डरता हूं कहीं मुकदमा उल्टा ना हो जाए। आपका मुकदमा कभी उल्टा नहीं हो सकता। कौन है? मोहन। आओ मोहन। बत्ती जलाओ। अंधेरे में आंसू छुपाने की कोशिश कर रही हो। आज तुमने कितने आंसू बहाए, ये तुम्हारी आंखों से साफ जाहिर है। क्या बात है? आज मैं थक गई हूं, हार गई हूं मोहन। लेकिन उस दिन तो तुम्हें मालूम नहीं, मैं एक मां भी हूं। मेरी बेटी यहां से कुछ दूर ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। मैं इस बेरहम जमाने से तो लड़ सकती हूँ, लेकिन उसके मासूम सवालों का मुकाबला नहीं कर सकती। कैसे सवाल? मेरी पति मर चुके हैं और ये बात मैंने उसे छुपा रखी है, ये सोचकर कहीं उसके मासूम दिल को ठेस न पहुंचे। लेकिन वो हमेशा अपनी डैडी का इंतजार करती है। आज उसका खत आया है, लिखा है अगर इस बार उसके डैडी उसे मिलने नहीं आएगी तो वो किसी से बात नहीं करेगी, यहां तक कि वो खाना पीना भी छोड़ देगी। तुम उसे सच सच कह दो, एक ना एक दिन तो उसे पता नहीं पड़ेगा। उसकी झोली मां की ममता से भर दो, उसे इतनी खुशियां दो कि वो मां और बाप का प्यार तुम नहीं पाए। डॉली, 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 मेरी
मैं ही तुम्हारे डैडी हूँ बेटे। तुम मेरे डैडी हो, डैडी, डैडी। नींद नहीं आ रही थी आशा, इसलिए तुम्हारे पास चला आया। पहले सोचा कि शायद तुम्हें बुरा लगेगा, फिर सोचा कि झूठ मूठ का तकल्लुफ क्यों। मेरा तुमसे भी यही सवाल है आशा, ये झूठ मूठ की शर्म क्यों? आप चले जाइए यहाँ से, इस वक्त आप नशे में हैं। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मैंने आपको हमेशा एक देवता के रूप में देखा है, अपने आप को मेरी नजर से ना गिराइए। मैं आज गिरने आया हूं आशा, खुद भी गिरने और तुमको भी गिराने। आशा मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, आशा प्यार चाहिए, पूजा नहीं चाहिए। नहीं राम बाबू, मान जा आशा, यह हसीं रात बार बार नहीं आएगी। राम बाबू अब छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, एक बेसहारा और अपाहिज लड़की पर जुल्म न कीजिए। मैं तुम पे जुल्म कर रहा हूँ? मैं एक अपाहिज लड़की को सहारा अपना प्यार दे रहा हूँ, तुम इसे जुल्म कहती हो? बनने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं, रुक जाइए, मैं कहती हूँ आगे ना पड़िए, मैं कहती हूँ रुक जाइए, रुक जाइए। चलती रहिए, चलती रहिए, रुकिए मत, आशा भी चलती रहिए, देखिए आप चल सकती हैं, चलिए, रुकिए मत, आशा भी चलती रहिए, चलिए, चलिए, चलिए आप चल सकती हैं, चलिए, देखिए आप चल सकती हैं, रुकिए मत, आइए, आइए, देखिए आप चल सकती हैं, आशा आइए, आइए, थैंक यू राम बाबू, हम कामयाब हुए। आशा देवी, मैंने ही इन्हें यह नाटक करने के लिए मजबूर किया था। हजारों में एक केस ऐसा होता है जो शौक से ठीक हो जाता है। मुबारक हो। राम बाबू, मैं किस मुंह से आपका आशा, मेरी तरफ से भी मुबारक हो। सरकार ने फूल भेजे हैं आपके ठीक होने की खुशी में। मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना। अच्छा।
दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार एक बदनसीब हूँ मैं एक बदनसीब हूँ मैं एक बदनसीब हूँ मैं मुझे नहीं देखा एक बार दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए रातों में तारों को देखा सपनों में खो जाते हुए यूं किसी न किसी बहाने किसी बहाने तूने देखा सब संसार तूने देखा सब संसार दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार काजल की किस्मत क्या कहिए नैनों में तूने बसाया है काजल की किस्मत क्या कहिए नैनों में तूने बसाया है आंचल की किस्मत क्या कहिए तूने अंग लगाया है हसरत ही रही मेरे दिल ही रही मेरे दिल में बनू तेरे गले का हार बनू तेरे गले का हार दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार एक बदनसीब हूँ मैं एक बदनसीब हूँ मैं एक बदनसीब हूँ मैं मुझे नहीं देखा एक बार दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार तुम्हारी आंखों में आंसू किसी के आंसू देखकर रोना तो आ ही जाता है लेकिन ये आप किससे कह रहे थे एक बदनसीब हूं मैं मुझे नहीं देखा एक बार मैं तो कहूंगी बदनसीब आप नहीं वो लड़की है जिसने आप जैसे देवता का प्यार स्वीकार नहीं किया कौन है वो लड़की
मान लो लड़की तुम हो आशा। राम बाबू, माफ कीजिए, शायद मैं गलत मौके पे आ गया। ये कोई नई बात तो नहीं इंस्पेक्टर? आई एम सॉरी, मुझे आपसे एक जरूरी काम था। कहिए। अगर आप प्लीज। आशा कोई गायत्री? मुझे आपसे एक लड़की के बारे में पूछना था। कौन सी लड़की? वही जिसने मोहन को धोखा दिया था। क्या बात है? वो लापता लड़की जिसने जगदीश का खून किया था, उसका नाम भी शालू। मैं सोच रहा था कहीं वो लड़की मोहन की शालू तो नहीं। आजी वाली है वो तो सो रहा है। ए मुगले आजम की औलाद। धीरे धीरे जा रे बादल, धीरे जा रे बादल, धीरे धीरे आ, मेरा मोटू सो रहा है, सो रुगुल न मचा। मैं आ गई। जब तुम सो रहे थे ना तो इतने खूबसूरत बालक लग रहे थे, मैं क्या बताऊं। अच्छा ये सुनो, हमारे यहाँ बच्चे कब आएंगे? शादी से पहले ही बच्चों की बात करने लगी भाजी वाली। पहले काम करो, जल्दी से एक पंडित बुलाओ मंत्र पढ़ने के। हाँ हाँ बुला लाऊंगी। अच्छा तो बैंड बाजे का भी बंदोबस्त करो। बैंड बाजा? हाँ वो तुपुर तुपुर। हाँ वो भी ले आऊंगी। अच्छा तो लड्डू मिठाई खैर छोड़ो, वो तो लड़की वालों की तरफ से होगा। क्या? अरे निर्दयी, मेरे बाप का दिवाला निकालेगा क्या? तुम्हारे बाप का? हाँ अभी तो तुम मेरी और अपनी शादी की बात कर रहे थे ना। तुम्हारी शादी? अरे मैं तो अपने बड़े सरकार की शादी की बात कर रहा था आशा देवी के साथ। तुम्हारी हमारी शादी में बैंड बाजा बजेगा है? नहीं तो क्या बजेगा? तंबूरा। तंबूरा? तंबूरा ही चलेगा, पर बजेगा कब? निर्दयी देख, मेरी नन्नी मुन्नी सी जवानी अब ढलती जा रही है, सारे आशिक बुड्ढे हो चले। मैं बोलूं तू जल्दी ही शादी कर ले, समझा? तेरे से कुछ नहीं होगा, मुझे ही भाजी बेच बेच के वो फूटी ने पैसे जमा करने पड़ेंगे और फिर शादी हो जाएगी। ठीक है चल, हाथ लगा, चल चल जाएगी। समझ गई? अच्छा तेरे अंदर इतना दम नहीं है मगर याद रख प्यारे, शादी के बाद अगर इस टोकरे में मैंने तेरा को गली गली भाजी ना बिकवाई तो मेरा नाम भी चंपा कली नहीं। मुझे भाजी बेचनी पड़ेगी? नहीं तो तू राज करेगा, मैं बच्चे भी पालूंगी और भाजी भी बेचूंगी बुद्धू कहीं का। चलो जा रही है। हे भगवान, राम बाबू मैं जा रही हूँ, मेरे इस तरह चले जाने से आपको दुख जरूर होगा लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे दिल में आपके लिए जो इज्जत है, इस जज्बे को आपने गलत समझा। काश मैंने अपनी जिंदगी के बारे में आपको सब कुछ पहले से ही बता दिया होता तो आज ये गलत फहमी ना होती। आप सुनकर हैरान होंगे कि मैं आशा नहीं शालू हूं, वो शालू जिसे मोहन और आप बेवफा समझते हैं। मैंने ही जगदीश का खून किया है, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपके नाम पर कोई आंच आए, इसलिए मैं जा रही हूं अपने गुनाह का इकरार करने पुलिस के पास। राम बाबू हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, बदनसीब शालू। सरकार आप इस तरह अचानक? भैया की चिट्ठी मिली, फौरन चला आया। भैया कहाँ है? अभी तक लौटे नहीं। वो कहाँ है उनकी होने वाली दुल्हन? अंदर है। छोटे सरकार आप देखेंगे तो ताब नहीं ला सकेंगे, ऐसी दुल्हन ढूंढी है बड़े सरकार ने। आशा देवी मैं मोहन हूँ, आप शायद मुझे नहीं जानती लेकिन भैया ने आपके बारे में सब कुछ लिख दिया था,
तारीफ के तो पुल बांध दिए थे। लिखा था मैं आपसे मिलूंगा तो अपने होश हवास खो बैठूंगा। जरा देखूं तो मेरी होश। औरत गिर सकती है लेकिन इतना गिर सकती है मुझे नहीं मालूम था। तुमने पहले मेरे दिल से खेला, अब मेरे देवता समान भाई की जिंदगी को बर्बाद करना चाहती हो। तुमने मुझे पहले भी नहीं समझा था और आज भी नहीं समझ रहे हो। क्या समझो, धर्म की मूर्ति, त्याग की देवी, जीती जागती सती। मुझे बड़ी खुशी हुई तुम आ गए। आशा, तुम दोनों मेरे आने से पहले ही मिल चुके हो। सुना मोहन, दिल के घाव भरे भी या नहीं? तुम्हें क्या बताऊं आशा, एक लड़की मोहन की जिंदगी में आई थी और। छोड़िए भैया, इन्हें मेरी कहानी सुनाने से क्या मिलेगा। बेवफा को भूल गए हो कि नहीं? भैया आपकी मुस्कुराहटों में मैं अपने हंसों भूल गया हूं। आप खुश हैं, मेरी दुनिया खुशियों से भर गई। मैं तुम्हें क्या बताऊं मोहन, जब से आशा इस घर में आई है इन वीरानों में कैसी बहार आ गई है। परसों से बुझे हुए चिराग फिर से जल उठे हैं, सीने में ऐसी उमंगें उठती हैं जैसे चांद को देख के समंदर में ज्वार आ जाती है। मुबारक हो भैया। ये बताओ मोहन, हमारी पसंद पसंद आई? बहुत खूबसूरत है। मैं जिंदगी भर उसके गीत गा सकता हूँ मोहन, उसकी तारीफ कर सकता हूँ। यह अच्छा हुआ कि वो तुम्हें भी पसंद आई, वरना मैं बड़ी उलझन में पड़ जाता। कौन? तुम? हाँ मैं। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहने आया हूँ कि भैया जो तुम्हें एक देवी समझते हैं, जब उन्हें पता चलेगा कि तुम एक देवी नहीं बल्कि गिरी हुई नीच औरत हो, जानती हो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? जहां तक राम बाबू का सवाल है, मैंने हमेशा उन्हें एक देवता समझा और उनकी उपासना की है। वैसे भी मैं यहां से जा ही रही थी कि तुम आ गए। तुम्हें देखना चाहती थी सो देख लिया। अब मैं यहां से दूर, बहुत दूर जा रही हूं। तुम समझती हो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? भैया एक बार दिल पर चोट सह चुके हैं, शायद वो दूसरी बार सह न सके, इसलिए जाने से पहले ये जो नकाब तुमने अपने चेहरे पर चढ़ा रखा है मैं उनके सामने खोल दूंगा, ताकि वो जान सके कि तुम्हारी असलियत क्या है। मोहन, उस दिन जगदीश के सामने मैं तुम्हें बता नहीं सकी। तुम्हें नहीं मालूम उस रात में कितनी मौतें मरी हूं तुम्हें मौत से बचाने के लिए। तुमने शराब का जाम तो मेरे हाथ में देखा लेकिन वो पिस्तौलें नहीं देखी जो तुम पर तनी हुई थी। वो नाटक मैंने इसलिए किया था। कौन जाने तुमने उस वक्त नाटक खेला था या आप खेल रही हो। मोहन, मेरी बेबसी का इस तरह मजाक ना उड़ाओ। तुम नहीं जानते उन बदमाशों ने मुझ पर क्या क्या सितम ढाया है। वो मेरा फायदा उठाकर मुझसे स्मगलिंग करवाना चाहते थे। मैं उनके चुंगल से निकलकर तुम तक पहुंचना चाहती थी लेकिन मैं नाकाम रही। यहां तक के जगदीश ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और मैं शालू, और शालू तुम
नाम से पुकारते हुए शर्म आनी चाहिए। भैया मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, लेकिन आज आपको सुनना ही पड़ेगा। सुनना पड़ेगा। निकल जाओ इस घर से। आज से मैं समझूंगा मेरा भाई मर गया। इस पाप की कच्ची को भी अपने साथ ले जाओ। शायद यही कहने आए हो कि शालू निर्दोष है। हाँ भैया, शालू निर्दोष है। आपको नहीं मालूम वो खून क्यों हुआ और कैसे हुआ। मैं खुद अंधेरे में था। तुम अब भी अंधेरे में हो मोहन, जो शालू को बेकसूर समझते हो। एक गिरी हुई लड़की के लिए तुमने अपने खून का रिश्ता तोड़ दिया, ये जानते हुए कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। मैं अब भी कहता हूं मोहन, शालू को भूल जाओ और मेरे पास आ जाओ। नहीं भैया, आपने शालू को पहले भी गलत समझा, आज भी गलत समझ रहे हैं। मैं आपके पास उसकी मदद के लिए आया हूं। आप उसका मुकदमा ले लीजिए और उसे बचा लीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। मैं मुकदमा लड़ता हूं तो सरकार की तरफ से, उनकी तरफ से नहीं जो कत्ल करते हैं, खून बहाते हैं। इस दुनिया में और भी तो वकील हैं, तुम भी तो वकील हो, तुम क्यों नहीं ले लेते उसका मुकदमा। नहीं भैया, आपके खिलाफ अदालत में खड़ा रहूं यह मुझे नहीं होगा। आप मेरी खातिर, अपने भाई की खुशी की खातिर उसे बचा लीजिए ना। याद है मोहन, मैंने तुमसे एक दिन कहा था कि मैंने अपने फर्ज के लिए अपने प्यार का गला घोंट दिया। प्यार तो क्या, अगर अदालत में शालू की जगह तुम खड़े होते तो मैं अपना फर्ज ही निभाता। आदमी जो जुर्म करता है उसको उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। योर ऑनर, मुलजिमा शालू प्रधान इस बात को कबूल कर चुकी हैं कि उन्होंने मकतूल जगदीश का खून अपने हाथों से किया है। इनका कहना यह है कि इन्होंने यह खून अपनी इज्जत बचाने के लिए किया है। योर ऑनर, मैं इस कोर्ट में साबित करूंगा कि मुलजिमा शालू प्रधान ने यह खून अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं किया, बल्कि अपने होश आवास में रहकर जानबूझकर और सोच समझकर किया है। योर ऑनर, मैं इस कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि मुझे कुछ गवाह पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत दी जाती है। मेरा पहला गवाह है मिस्टर जॉन डिसूजा। जॉन डिसूजा, जॉन डिसूजा हाजिर है। मैं बाइबल पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर जॉन,
आप मुलजिमा शालू प्रधान को, जिस पे आपके पार्टनर मिस्टर जगदीश के खून का इल्जाम है, कब से जानते हैं? 6 साल से। आप इन्हें किस हैसियत से जानते हैं? ये मेरे पार्टनर जगदीश की सेक्रेटरी थी। सिर्फ सेक्रेटरी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सरकारी वकील गवाह के मुंह में अपने लफ्ज ठूस रहे हैं। मैं लफ्ज ठूस नहीं रहा हूं योर ऑनर, बल्कि वो पर्दे हटा देना चाहता हूं जिनके पीछे एक बहुत बड़ी घिनौनी सच्चाई छुपी है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मैं आपसे फिर पूछता हूं मिस्टर जॉन, के मुलजिमा शालू मकतूल जगदीश की सिर्फ सेक्रेटरी ही थी या कुछ और भी? जी, मेरा मतलब है इनका रिश्ता सिर्फ मालिक और नौकर का था? जी नहीं, मिस शालू मेरे मरहूम दोस्त और पार्टनर जगदीश की सब कुछ थी जो एक औरत किसी मर्द के लिए हो सकती है। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। मुलजिमा शालू, आप बीच में न बोलिए। थैंक यू योर ऑनर। आप अभी अभी इस अदालत से कह रहे थे मिस्टर जॉन के मुलजिमा शालू मकतूल जगदीश की सब कुछ थी। सब कुछ से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि पहले ये सेक्रेटरी थी और फिर महबूबा। झगड़ा तो उस वक्त शुरू हुआ जब जगदीश ने इसको अपनी बीवी बनाना चाहा, लेकिन उस वक्त ये अपना दिल किसी और को दे बैठी थी। थैंक यू मिस्टर जॉन। योर ऑनर, मकतूल जगदीश से पीछा छुड़ाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए, और मुलजिम शालू ने उसे रास्ते से हटा दिया। योर विटनेस। मिस्टर जॉन, 8 अक्टूबर की शाम को जब आपके पार्टनर मकतूल जगदीश की लाश खून में लथपथ उनके मकान में पाई गई, उस वक्त आप कहां थे? मैं उस वक्त कलकत्ता गया हुआ था। खून से पहले उनके बाद? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, गवाह अपने बयान में पहले ही कह चुका है कि जिस दिन खून हुआ वो यहां मौजूद नहीं था। वकील सफाई खां मखां गवाह को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। आई थैंक यू योर ऑनर। आपको कब और कैसे पता चला आपके पीछे आपके पार्टनर का खून हो गया? मुझे तार से खबर भेजी गई थी। कहां? कलकत्ता में। कलकत्ते में आप ठहरे कहां थे? मॉडर्न होटल में। ये मॉडर्न होटल है कहां? भवानीपुर में। भवानीपुर में कौन सी जगह, कौन सी गली, कौन सी सड़क? सड़क मुझे याद नहीं है। आपको ये तो याद होगा आप कौन से नंबर कमरे में ठहरे हुए थे? मैं कमरा नंबर 308 में। 308? ये 308 कौन सी मंजिल पर है? तीसरी मंजिल पर। तीसरी या चौथी? तीसरी मंजिल। एक बार फिर याद। मैंने आपसे कहा ना तीसरी मंजिल पर। बहुत खूब। योर ऑनर, शायद इनको किसी ने यह नहीं बताया, मॉडर्न होटल में सिर्फ 2 मंजिलें हैं, पहली और दूसरी, तीसरी है ही नहीं जहां ये ठहरे हुए थे। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, मैं जानना चाहता हूं वकील सफाई आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। योर ऑनर, मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं जिस दिन खून हुआ उस दिन और उस वक्त मिस्टर जॉन कलकत्ते में नहीं थे, बंबई में थे, बल्कि कत्ल की वारदात की जगह पर मौजूद थे। थे या नहीं? मैं सिर्फ हां या ना कहिए, बंबई में थे या नहीं? था। ये पॉइंट नोट किया जाए, गवाह ने हल्फ उठाने के बावजूद अदालत में झूठा बयान दिया है। मिस्टर जॉन, आपको हिदायत की जाती है कि आपसे जो सवाल किया जाए उसका आप सही सही जवाब दें, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यू मे कंटिन्यू मिस्टर मोहन। थैंक यू योर ऑनर। जिस वक्त आपको खून का पता चला आपने पुलिस को इतला दी? जी नहीं। क्यों नहीं? मैं उस वक्त बहुत परेशान था। आप परेशान नहीं थे, बल्कि आपने जानबूझ के इतला नहीं दी। वो इसलिए योर ऑनर कि वारदात के मौके पर जब मकतूल जगदीश ने मुलजिमा शालू की इज्जत पर हमला किया, शालू ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर मकतूल जगदीश को एस्ट्रे से चोट पहुंचाई और उसने देखा कि जगदीश के सर से खून बह रहा था। योर ऑनर, उसने सिर्फ खून का बहना देखा, जगदीश का मरना नहीं देखा। और शालू के चले जाने के बाद मिस्टर जॉन जो वहां मौजूद थे, मौके का फायदा उठाकर जगदीश को खत्म कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील सफाई बिना किसी सबूत के गवाह पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं वकील सफाई से पूछता हूं इनके पास इस इल्जाम का सबूत क्या है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, सबूत तो सिर्फ यह है, मकतूल जगदीश की मौत से सिर्फ एक आदमी को फायदा पहुंच सकता था, वो है मिस्टर जॉन। ये कल तक जगदीश एंड कंपनी के हिस्सेदार थे, आज ये अकेले उसके मालिक।
योर ऑनर, मकतूल जगदीश का खून मुलजिम शालू ने नहीं बल्कि मिस्टर जॉन ने किया है। ये झूठ है, मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट आज के लिए बर्खास्त की जाती है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा मोहन, जब कचहरी में मैं सरकारी वकील बन के आऊंगा और तुम मेरे सामने मुकाबले में खड़े होगे। फिर हम दोनों में लड़ाई होगी जैसे कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ था। मकतूल जगदीश का खून मुलजिम शालू ने नहीं बल्कि मिस्टर जॉन ने किया है। शराब गम भुला सकती है, गुनाह नहीं। मुलजिमा शालू, क्या आप इस ऐश्ट्रे को पहचानती हैं? जी हाँ। क्या ये वही ऐश्ट्रे है जिसे आपने मकतूल जगदीश के सर पे मारा था? जी। कितनी बार? मुझे याद नहीं। याद नहीं, ये कैसे हो सकता है? आपको कुछ तो याद होगा, दो बार चार बार। मैंने कहा ना मुझे कुछ याद नहीं। मैं आपसे फिर पूछता हूँ मुलजिमा शालू, आपने ऐश्ट्रे कितनी बार मारा? दो बार, चार बार, छह बार, दस बार? यही कोई आठ दस बार। योर ऑनर, इस बात को नोट किया जाए कि मुलजिमा शालू ने मकतूल जगदीश के सर पर यह वजनदार ऐश्ट्रे आठ दस बार मारा। ऐश्ट्रे मारने के बाद आपने क्या देखा? उसके सर से खून बह रहा था और वो बेहोश हो गया था। बेहोश हो गया था या मर गया था? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मुलजिमा शालू का बयान है कि वो सिर्फ बेहोश हो गया था। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, उस वक्त आपको क्या महसूस हुआ? वो बेहोश हो गया था या मर गया था? मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं वहां से चली गई थी। आप फिर गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं। आप चली गई थी या भाग गई? भाग गई थी। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे डर था। किस बात का? कहीं मिस्टर जॉन ना आ जाए। इसका मतलब यह हुआ कि कत्ल के वक्त मिस्टर जॉन वहां मौजूद नहीं था। जी हाँ। योर ऑनर, गवाहों के बयान के बाद यह केस बिल्कुल साफ है कि मुलजिमा शालू ने जानबूझकर और सोच समझकर और एक नन का भेस बदलकर मकतूल जगदीश का खून किया है और कानून की नजरों में धूल झोंकने की कोशिश की है। मेरे काबिल दोस्त वकील सफाई का मिस्टर जॉन पे खून का इल्जाम उतना ही झूठा साबित होता है जितना कि मुलजिमा शालू का बयान कि उन्होंने खून अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। अगर मुलजिमा बेकसूर होती तो पुलिस के पास जाती, लेकिन उन्होंने किसी भी वक्त किसी भी मौके पर ऐसा नहीं किया बल्कि कदम कदम पे अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोला। योर ऑनर, पुलिस की तहकीकात, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और इस ऐश्ट्रे पे पाए गए निशान से सिर्फ एक चीज साबित होती है कि मुलजिमा शालू ने खून किया है। इसलिए मेरी इस अदालत से दरखास्त है रौनक कि मुलजिमा शालू से कोई रियायत न की जाए और इन्हें जेर दफा 302 इंडियन पीनल कोड के मुताबिक सजाए मौत दी जाए। योर ऑनर, इस अदालत से सरकारी वकील मुलजिमा शालू के लिए सजाए मौत इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि उसने जगदीश का खून किया बल्कि उस इंतकाम की आग के लिए जो उनके दिल में अभी तक सुलग रही है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, वकील सफाई का यह मुझ पर झूठा इल्जाम है। मिस्टर मोहन, आपको मालूम होना चाहिए कि आप अदालत में किसी की इज्जत पर इस तरह हमला नहीं कर सकते। इंतकाम की आग से आपका क्या मतलब? जवानर, सरकारी वकील ने किसी वक्त अपने एहसानों के बदले मुलजिमा शालू से प्यार मांगा था और उसने इनकार किया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील सफाई अपनी हद से गुजर रहे हैं और इस अदालत के कायदे कानून को भूल रहे हैं। योर ऑनर, मुलजिमा शालू के इनकार से जो उनके दिल पर ठेस पहुंची आज वो उस ठेस के बदले
मुलजिमा शालू की जान चाहते हैं। I object, Your Honor। वकील सफाई फिर उन बेबुनियाद बातों से जिनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं कानून के फैसले में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। Objection sustained। I am sorry, Your Honor, लेकिन मैं कहने पर मजबूर। मुलजिमा शालू के इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये सरकारी वकील है और मैं इस अदालत से दरखास्त करता हूँ चूंकि सरकारी वकील इस केस में जाती तौर पर इन्वॉल्व है लिहाजा इनको इस केस से हटा दिया जाए। Your Honor, इस बात को नोट किया जाए कि वकील सफाई सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि भरी अदालत की बेइज्जती कर रहे हैं। मिस्टर मोहन, आपको हिदायत की जाती है कि आप अदालत के कायदे कानून को न भूलिए वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आई एम सॉरी योर ऑनर, मुलजिमा शालू के इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये सरकारी वकील है और मैं इस अदालत से दरखास्त करता हूँ चूंकि सरकारी वकील इस केस में ताती तौर पर इन्वॉल्व है लिहाजा इनको इस केस से हटा दिया जाए। नहीं नहीं, हाँ तुम जलते हो, मोहन से जलते हो। शालू ने तुम्हारे प्यार को टुकरा दिया इसलिए तुमसे फांसी की। झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये झूठ नहीं सच है। तुम बदला लेना चाहते हो, तुम अपने प्यार का बदला लेना चाहते हो। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो मेरा फर्ज है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? हाँ लिली, मेरी जिंदगी की खुशियां मुझसे छीनी जा रही हैं। कानून मेरी शालू को मुझसे दूर घसीटता जा रहा है। तुम्हारी शालू? शालू पर खून का इल्जाम है। खून का इल्जाम? जगदीश के खून का। जगदीश के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? मैंने तुम्हारी तस्वीर उसके घर में देखी है। जगदीश मेरी बेटी का बाप था। जगदीश? लिली, तुम फिर यहां आ गई, क्या चाहती हो? मेरा हक। एक वक्त था जब मेरे आंचल पर कोई दाग नहीं था। तुमने शादी के झूठे वादे देकर मुझे दागदार बना दिया। बंद करो ये पुरानी बकवास। मैंने तुमसे कह दिया है कि जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो। पैसे? क्या पैसे से मेरी खोई हुई इज्जत वापस ला सकते हो? आज दुनिया मुझ पर और मेरी बच्ची पर उंगलियां उठाती है, क्या तुम्हारे पैसे उन उंगलियों को रोक सकते हैं? जगदीश, जगदीश मेरे लिए ना सही अपनी मासूम बच्ची के लिए मुझे स्वीकार कर लो, मुझसे शादी कर लो। मैं बड़ी आशा लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। याद करो वो दिन जगदीश। वो दिन मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, जो कल मेरा फैसला था वही आज। इससे पहले कि तुम यहां से एक ठोकरे मार कर निकाल दी जाओ, भला इसी में है कि तुम यहां से खुद चली जाओ। जाओ। जगदीश ने मेरी एक ना सुनी, उसने मुझे निकाल दिया। और उस वक्त बर्बाद किया, मेरी जैसी कितनी मासूम लड़कियों की इज्जत लूटी और आज तुमने। लिली मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। लिली नहीं, प्लीज डॉक्टर, तुम माफी के लायक नहीं, तुम इंसान नहीं, एक वैश्य जानवर हो जिसे मिटाना ही पड़ेगा ताकि मेरी तरह कोई और मासूम लड़की तुम्हारा शिकार ना बन सके। जगदीश, जगदीश मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ, यस, आई कैन यू, आई कैन यू जगदीश। मैंने उसे मार डाला मोहन, मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला।
पूछो मोहन, तो जगदीश के साथ मैंने आपका आपको भी मार डाला, लेकिन अब मैं कोर्ट के सामने जाऊंगी और सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ बता नहीं, दूंगी। तो मैं हरगिज नहीं करना, मुझे क्या मालूम था मैं उस मासूम डॉली का, जिसका इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं, सहारा छीनने आया था। शालू का फंदा तुम्हारे नहीं, गले। नहीं मोहन, मेरी जान एक बेकसूर की जान से ज्यादा कीमती नहीं, और तुम्हें मालूम नहीं जगदीश और जॉन ने कितने घर उजाड़े हैं, कितने जाने लिए हैं। लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचती डॉली तुम्हारे बिना? मुझे इसका कोई डर नहीं, डॉली का बाप माँ से बढ़कर उसे प्यार देगा। वैसे भी एक नाइट क्लब डांसर अपनी बेटी को बदनामी के सिवा और क्या खुशियां दे सकती है? बेवकूफ, बच्ची को क्यों नहीं उठा लिया? खैर, अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन अदालत पहुंचने से पहले मैं लीली का मुंह बंद कर दूंगा। Thank you.
कभी ये ना सोचना कि मैंने तुमसे या शालू से इंतकाम लेने की कोशिश की। नहीं भैया मोहन, नहीं, नहीं। मोहन, मैंने जो कुछ किया वो मेरा फर्ज था, मेरा धर्म था। आंटी, आंटी। बेटे, तुमने मुझे फिर आंटी कहा? सॉरी मम्मी। बेटे, इन्हें प्रणाम करो। लेकिन ये तो चले गए हैं। ये गए नहीं बेटा, ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे पास रहेंगे हमें आशीर्वाद देने के लिए। इनकी जिंदगी एक उपासना थी, इंसाफ की उपासना, फर्ज की उपासना, धर्म की उपासना, प्यार की उपासना।